Hello everyone, hope everybody is healthy and happy, but we are not happy at all because आज मैं एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करने वाली हूँ. एज आई एम लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो चुका है. अभी हम सीवियर एयर पॉल्यूशन से गुजर रहे हैं, तो आज बेसिकली मैं बताऊँगी कि हम अब एयर पॉल्यूशन से अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे इनके साइड इफेक्ट्स को कुछ हद तक हम कम कर सकें. तो बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा. तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि एयर पोल्यूशन को मेजर कैसे करते हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा एयर पोल्यूशन का लेवल चेक किया जाता है. अगर पोल्यूशन 0 to 50 है तो ये गुड कंडीशन में होता है. अगर ये 50 to 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में होता है. अगर ये 100 से 200 के बीच में है तो इट्स मॉडरेट. अगर ये 200 से 300 तक है तो इट्स पुअर, और 300 से भी अबव है तो वेरी पुअर एंड सीवियर कंडीशन में चला जाता है. तो अभी जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 एंड अबव है, तो आप समझ सकते हैं हम बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में जी रहे हैं. तो अब मैं बात करूंगी कि एयर पोल्यूशन से बेसिकली हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं. एयर पोल्यूशन से हमें कोल्ड हो सकता है, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग हो सकती है, आईज में इरिटेशन हो सकती है, सीवियर कफ हो सकता है, टीबी, थ्रोट इन्फेक्शन, साइनस, एस्थमा, लंग्स रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं. और अगर हम लंबे समय तक इसी तरह के पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो हमें लंग्स कैंसर होने तक के भी चांसेस होते हैं. अब मैं बात करूंगी हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम पॉल्यूशन. सबसे पहले तो जब भी हम घर के बाहर निकले तो अपना N95 मास्क जरूर कैरी करें. बच्चा अगर साथ में, बच्चों के लिए भी ये मार्केट में अवेलेबल है, तो बच्चों को भी ज़रूर मास्क पहनाएं. दूसरी चीज़ है कि आईज़ में भी इरिटेशन होती है तो आप अपना गॉगल्स भी ज़रूर कैरी करिए. बच्चे को भी गॉगल्स पहना के ही ले जाइए बाहर कहीं. तो ये हो गया पहला तरीका. दूसरा तरीका है कि एक मास्क को आप एक दिन में यूज़ करें, क्योंकि मास्क पे बहुत तरीके के आपके बैक्टीरिया और ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. तो डेली आप मास्क चेंज कर सकते हैं. तीसरी चीज़ है कि अगर हम बाहर जाके वर्कआउट करते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं तो प्लीज़ अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब भी हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. बट अगर हमारा एयर पॉल्यूटेड है तो ऑब्वियसली हम पॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करेंगे, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ख़राब हो सकता है. तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जो भी वर्कआउट करते हैं वो इनडोर कीजिए और घर से कम निकलने की कोशिश कीजिए. चौथी चीज़ है कि अपने दरवाजे या विंडोज़ को थोड़ा कम खोलिए इन दिनों. और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तो प्लीज़ बाहर का एरिया थोड़ा सा गीला रखिए, जिससे कि ज़्यादा डस्ट उड़े नहीं और पोल्यूशन थोड़ा सा हम कम कर पाए. पांचवी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि घर में हो सके तो इनडोर प्लांट्स रखिए. प्लांट्स आप मार्केट से भी ला सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आपके घर है तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रखिए. मैं अपना बताती हूँ, जनरली मैं कुछ प्लांट्स बैल्कनीज में रखती थी, बट आज के डेट में मैंने ज़्यादातर मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो घर के अंदर कर लिए हैं. अगर आपके घर में कोई भी तुलसी का प्लांट हो तो रात के टाइम आप उसको अंदर कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है. तो आप इस तरह के कुछ छोटी चीज़ें कर सकते हो. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मार्केट में बहुत तरह के एयर प्योरीफायर्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको परचेज कर सकते हो. बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्फोसिस आपको प्लांट्स के ऊपर ही करूँगी करने को, क्योंकि प्लांट्स एक नेचुरल वे है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकता है. ये तो कुछ तरीके थे जिससे कि हम पोल्यूशन को थोड़े हद तक कम कर सकते हैं. बट कुछ हद तक तो हम पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो इनटेक करते ही हैं. तो इंटरनली अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए पोल्यूशन से. तो मैं कुछ 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जिनको अगर आप फॉलो करें तो डेफिनेटली कुछ हद तक हम पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं. तो सबसे पहले नंबर पे है कि जब भी हम खाना खाते हैं आफ्टर मील, ये थोड़ा सा पार्ट आप जैगरी का ज़रूर खाइए. गुड़ जो है बहुत अच्छा होता है, ये हमारे लंग्स से और अपने हमारी बॉडीज से पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है. दूसरी चीज़ है कि अपने डाइट में ल्यूक वॉर्म मिल्क ज़रूर ऐड कीजिए विद पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, क्योंकि टर्मरिक पाउडर में बहुत सारी ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट्स, जो कि हमें पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करती हैं. तीसरी चीज़ है कि इस टाइम जिंजर जूस, तुलसी जूस, ब्लैक पेपर, हनी, ये सब चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए. अगर आप चाय लेते हैं तो कोशिश कीजिए चाय में इन सब चीज़ों को डाल के आप लीजिए, और 2 बार ले पाएँ तो ये बहुत अच्छा होगा हमारी हेल्थ के लिए. चौथी चीज़ है कि अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ऐड कीजिए. और ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कीजिए जिसमें
विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि यही सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो हमें पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। पांचवी चीज़ है कि इस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक कीजिए। जो भी वाटर आप जब भी लेते हो, कोशिश कीजिए ल्यूक वार्म फॉर्म में लीजिए। तो ये कुछ वेस्ट थे, अगर हम इनको अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एयर पोल्यूशन के इफेक्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और इन फ्यूचर मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलती हूँ मैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।